मनासा के वार्ड क्रमांक 2 के सावलिया कॉलोनी के रहवासी इलाके में लगाए जा रहे एयरटेल 5G मोबाइल टावर निर्माण कार्य को रोकने के विरोध स्वरूप सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं SDM कार्यालय पहुंची व SDM पवन बारिया को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद नगर परिषद कार्यालय पहुंच CMO कक्ष के बाहर बैठकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि एयरटेल 5G का टावर लगाया जा रहा है जो पूर्णतः रहवासी क्षेत्र में है और टावर से उत्पन्न होने वाले रेडिएशन से रहवासियों पर बुरा असर पड़ेगा व गंभीर बीमारियों के शिकार होंगे तथा विद्युत घटनाएं भी हो सकती हैं। अतः टावर निर्माण कार्य को रोका जाए व अन्य जगह खुले में लगाया जाए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ पूर्व पार्षद शिवलाल कुशवा व दिनेश राठौर मौजूद रहे। क्रमांक 2 के सावले नगर में एक एयरटेल 5G का टावर का निर्माण चल रहा है। उस टावर लगने से रहवासी परेशान है। इनकी शिकायत थी कि ये टावर यहाँ लगना चाहिए। टावर किसी देखो आपके उसको नगर पंचायत की परमिशन नहीं है और जहाँ रहवासी रह रहे हैं उनकी अनुमति अति आवश्यक होती है कि यहाँ टावर लग रहा है। ना तो नगर पंचायत की परमिशन है और ना ही रहवासी की परमिशन है। इन रहवासियों की एक ही समस्या है कि वो टावर वहाँ से हटना चाहिए और वहाँ लगना नहीं चाहिए। और आज ये महिला SDM कार्यालय में ज्ञापन देने के बाद यहाँ नगर पंचायत CMO कक्ष के बाहर बैठी है। इनकी एक ही मांग है कि वो टावर का जो गड्ढा खोदा गया है वो बंद किया जाए और वो टावर का निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हो। इस मामले में उनने नगर पंचायत को अवगत कराया है। पूर्व में ये नीमच कलेक्टर जनसुनवाई में गए थे, उसके बाद वहाँ काम बंद हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह लापरवाह है। उनने अपना काम नहीं किया और टावर वाले ने टावर का काम चालू कर दिया। इनके द्वारा मालूम पड़ा तो फिर हमने आज ज्ञापन दिया SDM साहब को और यहाँ CMO कक्ष के यहाँ बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हम काम बंद कर रहे हैं। हमारा कहना है जब तक वो गड्ढा और काम बंद नहीं होता है यहाँ की महिला नहीं उठेगी। हमने बहुत मेहनत करके मजदूरी करके प्लाट खरीदे, हमारे आवास योजना से हमारे मकान का लोन पास हुआ सर। जस्ट एक दीवार है, 2 फीट की दूरी पे टावर लगा रहे सर। हमारे बच्चे पतंग उड़ाएंगे या खेलेंगे कूदेंगे गिर गए या फिर उनको करंट का झटका लग गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? और हमको उनसे बीमारी होगी तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सर वो गड्ढा कब से खोद रहा था, 15-20 दिन हो गए, उसमें एक कुत्ता भी गिर गया, वो मर गया, उसको निकाला, फिर उसके बाद एक गाय गिर गई। मैं कल परसों आंधी तूफान चला था, बच्चे खेल रहे थे, वो एक बच्चे का पैर भी फिसल गया सर। ये लापरवाही हो रही। हमने यहाँ पर नगर पालिका में कोर्ट में और 3-4 नीमच में सब जगह आवेदन दिया सर, कोई किसी ने नहीं सुनी हमारी। और हमने उन कर्मचारी से टावर वाले से निवेदन करा तो उन्होंने हमसे गंदी गंदी गाली बकी सर। हम उनसे बहुत परेशान हो गए, हमारे कोई भी नहीं सुना। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? सरकार जनता के लिए होती, जनता की सरकार नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? हम कहाँ पर जाए? हम तो मजदूर लोग हैं, हमारी कौन सुनेगा? आप ही बताओ। अंगूर बाला गए थे तो थाने वाले ने हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं और बोल रहे थे वो कि ये तो थाने की कोई समस्या नहीं है, आगे लिखवाओ। तो वहाँ पे गए थे 8 दिन पहले, हमने कार्रवाई करी थी तो उन्होंने भी नहीं सुनी, फिर आज फिर कार्रवाई करी। औरतें ज्यादा बोल रहे थे, इनको डाल दो। सांवलिया कॉलोनी में, सांवलिया कॉलोनी काछी मोहल्ले के नज़दीक है। वहाँ के रिवासी और वहाँ के आसपास के पड़ोसी टावर हो सकता है वहाँ बाहर में टावर लगा रही, चाहे वो निजी प्लाट है किसी का। उस प्लाट का ये नहीं है कि टावर किसी क्षेत्र को और बस्ती को देखकर वहाँ नहीं लगाया जाए, ये हमारी मांग है। और वहाँ के रहवासी उनको सबको तकलीफ है, हो सकता है कि उज्जैन में महाकाल में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लाखों की मूर्तियाँ गिर कर क्षतिग्रस्त हो गई, हो सकता है यहाँ टावर आंधी तूफान आए आस पड़ोस के घरों पर गिर जाए तो उनकी जान मान का कौन जिम्मेदार है? तो इस मांग को लेकर हम ये सारे बस्ती वालों और पूरे वहाँ के आसपास के निवासी महिला पुरुष सभी माताएं बहनें
इस धरने को लेकर, इस मांग को लेकर इस धरने पे बैठे हैं। हमें प्रशासन से यही मांग है कि हमारी बस्ती छोड़कर उन्हीं खुद का जिसका प्लाट है उसी के नगर के पास ही खेत है, अगर उनसे अनुबंध किया है तो उसके खेत पे जाके लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बाकी इस मोहल्ले को छोड़कर अन्य जगह लगाया जाए, हमारी ये मांग है। हम ये विरोध नहीं कर रहे कि टावर नहीं लगाने चाहिए, टावर लगाओ, आपके खेत पे लगाओ, आपके नज़दीकी गांव के पास है, गांव के पास ही नज़दीकी ये बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर के नज़दीक मतलब गांव से मनासा शहर से कुछ 1 मीटर दूर है, वहाँ लगा सकते हैं। कवरेज आपका भी है वो आएगा आपका टावर का। रेवासी मोहल्ला छोड़कर यहाँ से टावर की हटाने की मांग है हमारे, इस तरह अनुमान नहीं कर सकता। और हो सकता है जो प्लाट प्लाट मालिक एवं टावर जो मालिक है उन्होंने गुमराह करा होगा कि यहाँ पे कोई रिवासी नहीं है, इस तरह से उनके अनुमति लाए होंगे। लेकिन वहाँ प्रशासन को देखना चाहिए आज आकर कि वहाँ कितने निवासी है, वहाँ सिर्फ एकमात्र खुला प्लाट है, बाकी वहाँ आसपास सभी घर बने हुए हैं, वहाँ सभी गरीब मजदूर वर्ग जो मजदूरी करने जाते हैं वो निवास करते हैं वहाँ पे। हमारी तरफ से अन्याय है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे हटाना चाहिए। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की रिपोर्ट।